भारत में हुई बर्फबारी और शीतलहर का असर झारखंड में भी व्यापक तौर पर देखने को मिल रहा है। झारखंड की कड़ाके की सर्दी पड़ी, पूरे झारखंड में पड़ रही है। अगले 48 घंटों तक यही स्थिति बने रहने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। खास तौर पर झारखंड के उत्तर क्षेत्र में इसका असर ज्यादा रहेगा। पहले की जो पिछले हफ्ता में जो उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश हुई थी, उसके वजह से जो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वो सर्द हवाएं झारखंड की तरफ आई है, और इस वजह से जो टेम्परेचर ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है। तो अगले 48 घंटों में यही स्थिति बनी रहेगी और कल भी शीतलहर की स्थिति कुछ कुछ जगह पे आपको बनती हुई झारखंड में दिखाई देगी, खासकर उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में और एकाधिक मध्य भाग में भी स्थिति बनती हुई दिख सकती है। पहला कंडीशन ये है कि न्यूनतम तापमान 10 से कम होना चाहिए, तभी हम लोग कोल्ड वेव के बारे में बात कर सकते हैं। और दूसरा है जो डिपार्चर, उसका जो विचलन है वो नॉर्मल से कम 4.5 डिग्री होना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे कि कोल्ड वेव की स्थिति। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।